हेलो फूडीज़, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे मैंगो पिस्ता रोल, वो भी सिर्फ दो चीज़ों को मिलाकर। इसमें हम कोई चाशनी भी नहीं बनाएंगे, कोई मावा नहीं डलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंगो पिस्ता रोल। इसके लिए मैं 3 दशहरी आम ले रही हूँ और इन्हें छील ले रही हूँ। आप कोई भी आम ले सकते हैं। हमें इसी तरह से सभी आमों को छील लेना है। ये देखिए, मैंने सारे आम छील कर रख लिए हैं। अब हमें इनका पल्प निकालना है। इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। दशहरी आम एक तो मीठे बहुत होते हैं और इनमें पल्प भी बहुत होता है। ये देखिए, ये मैंने सारे पल्प निकाल लिया है। अब हमें इस पल्प को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका स्मूथ एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए, पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमें एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालना है और जैसे ही ये पिघल जाए उसमें हम आम का पेस्ट डाल देंगे और हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। शुरुआत में हम इसे तेज आंच पर पकाएंगे जिससे इसका सारा पानी सूख जाए, फिर हम आंच को मीडियम कर देंगे। ये तेज आंच में होने के कारण ये ऊपर को आएगा, तो आप इसे थोड़ा ढक्कन लगाकर भी पका सकते हैं जिससे ये ऊपर की तरफ ना आए। देखिए कितने ज़्यादा छींटे आ रहे हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे। इसमें हमें 1/4 कप चीनी डालना है और ये चीनी अपने आप ही इसमें पिघल जाएगी। अगर आपके आम बहुत ज़्यादा मीठे हों तो आप चीनी को कम कर सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कम ही चीनी डालें, क्योंकि आम का मीठापन भी होता है। और इसे भी हमें अच्छी तरह से पका लेना है, गाढ़ा कर लेना है। देखिए ये कितना थिक धीरे धीरे होता जा रहा है। अब हमें इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी गाढ़ा होने तक पकाना है। इसे पकाते समय हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसके जो ये लम्स हैं ये पूरे ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से चला चला कर इसे लम्प फ्री बना लेना है। हमें इसे लगातार चलाते जाना है और गैस को मीडियम ही रखना है। देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें काजू और बादाम डालेंगे, थोड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए, और इसे भी लगातार चलाते हुए इसके साथ ही पका लेंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, वरना ये नीचे लग सकता है। जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक हमें इसे पकाते जाना है। देखिए अब ये पकने लगा है। ये मेरा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और इसे ठंडा करना है। अच्छी तरह से इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए जब तक हम पिस्ते का पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप पिस्ता लिया है और इसे हमें सिंपली मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इस तरह का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
हमारा रोल का डो भी बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे आटे की तरह हल्का हल्का मसलना है, और अगर ये आपके हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। और इसके हमें दो छोटे छोटे रोल तैयार कर लेने हैं, जैसे देखिए मैं बना रही हूँ। इस तरह से आपको दो रोल तैयार कर लेने हैं। आप इसके पतले रोल भी बना सकते हैं। हमारे मैंगो रोल बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें पिस्ते की कोटिंग करेंगे। देखिए इस रोल को जिस तरह से मैं पिस्ते की मिक्सचर में इसे लपेट रही हूँ, इस तरह से लपेट कर इसमें अच्छी तरह से हमें कोटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे रोल में भी कोटिंग कर लेनी है पिस्ते की। और हमें इनको फ्रिज में कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट बाद इन्हें आप काट कर और सर्व करें। तो बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अपनी फीडबैक मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।